अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक, फिट एंड फाइन और ज़बरदस्त से होंगे। और बताएं मुझे कैसा जा रहा है, सर्दियाँ कैसी जा रही हैं, विंटर का मौसम कैसा जा रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मैं अभी इधर कह रही हूँ दूध बॉयल, और मैं बनाने वाली थी गजरेला, जिसके लिए मैंने अभी आपके साथ पूरी कंप्लीट रेसिपी नहीं शेयर की मैंने, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर था और थका देने वाला, और उसके बाद जो आसपास गंदम डला था वो भी समेटना पड़ गया था, काफ़ी ज़्यादा मतलब छींटे उड़ गई थी, तो इसलिए फिर काफ़ी ज़्यादा मैंने इतनी वीडियो शूट भी नहीं की, बस कुछ क्लिप्स शूट किए हैं तो वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने बिल्कुल सिंपल जैसे आप सब बनाते हैं वैसे ही बनाया था। इसके अंदर मैंने ऐड किए थे राइस, एक हाफ कप से भी थोड़े कम ही थे, उनको मैंने साफ करके रख दिया था और भिगो दिया था, और जब मैं नाश्ता बना रही तब भी मैंने भिगो के रख दिया था, और उसके बाद मैंने गाजर को ऊपर से साफ़ किया था और कद्दूकश कर लिया था। एक तकरीबन किलो थी गाजर और 7 किलो दूध था, तो इसको मैंने 2 बर्तन में बनाया था अलग अलग में, क्योंकि दूध ज़्यादा था पहले, जब ज़रा खुश्क हो गया था दूध कम रह गया, तो फिर मैंने एक ही इसमें शिफ्ट कर लिया था एक बर्तन में। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है और काफ़ी टाइम लेता है, और इसके अंदर शुगर भी ऐड होती है एंड पे जब ये कुक होने के नज़दीक होता है। तो फिर मैंने आपके साथ, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ टोटल रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये जो बबल्स बन रहे हैं आपको नज़र आने, इसका मतलब ये बिल्कुल ऑलमोस्ट कुक हो चुका, बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। ये मैंने अभी थोड़ा सा इसको ठंडा होने रख दिया था, ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था किशमिश और बादाम, इस तरह काट के ऊपर डाल के इसको गार्निश कर दिया था, और बहुत सारी मेहनत के बाद बहुत यम्मी और टेस्टी और डिलीशियस सा गजरेला रेडी हो गया था। और अभी टाइम हो गया था शाम के खाने के लिए, और उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी से झटपट मैं क्या बना लूँ, क्योंकि काफ़ी थक गई थी मैं, और फिर किचन भी समेटना पड़ा था। तो फिर मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था और जस्ट प्याज उसके अंदर लाइट से ब्राउन करके उसमें बोनलेस चिकन डाल दिया था, टमाटर और ये ग्रीन चिलीज थी ये भी काट लूँगी, और काट के इसके बाद मैंने इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह लिया था भून। भूनने के बाद मैंने साथ में कैबेज भी काट दी थी और उसको वॉश करके रख लिया था, और मैंने इसके अंदर साल्ट, रेड चिली और टर्मिक पाउडर भी डाल दूंगी, और ये अंदर देखे मैंने कैबेज भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसको अच्छी तरह कर लूंगी मिक्स, मतलब ये भून लूंगी ऊपर कवर करके, इसको लिड दे के इसको भून लें तो ये बहुत यम्मी यम्मी और ज़बरदस्त यहाँ बन जाता है। मैंने लीड हटा के दी थी बार बार और चेक कर रही थी, तो इसी तरह मैंने इसको लिया था अच्छी तरह भून, और ये बिल्कुल हो चुका था रेडी, और फटाफट जल्दी झटपट से रेडी हो जाती है। तो ये देखें रेडी हो चुकी है, और साथ में मैंने धनिया भी, बाकी भी जो मैंने वेजिटेबल्स लाई थी वो भी मैं वाश वगैरह करके रख रही थी फ्रिज में, और ये साथ में धनिया बना रही थी। उसके बाद हम लोग गए थे बाज़ार, तो कुछ रोड क्लिप्स तो मस्त बनते हैं अगर कहीं जाएँ तो, कुछ थोड़ी सी वीडियो तो बनती है ना बाहर की। तो उसके बाद हम लोग गए थे मारूश के शूज़ लेने, तो मैं सबसे पहले कहीं और नहीं घूमी, बस जस्ट सर्विस पे आई थी, इनके पास अच्छी कलेक्शन होती है बच्चों की, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ, कुछ क्लिप्स आपके लिए भी मैंने बनाए हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चों के शूज़ और स्लीपर्स भी हैं, बल्कि मारूश के पास ये ऑरेंज वाला है स्लीपर्स यही हैं इसके, और ये ऑरेंज कलर के जो डायनासोर वाले हैं ये उसके पास हैं। ये पाम ट्री के ऊपर, सर के ऊपर 2 बड़े बड़े पाम ट्रीज बने हुए हैं मारूज के, और इधर चेक किए जा रहे हैं, ट्राई किए जा रहे हैं शूज। और ये इधर मेरा पाम ट्री, मैं अक्सर इसको पाम ट्री बोलती रहती हूँ इसके बड़े बड़े पाम की वजह से, और जो सर पे पोनिया मेरा बेटा लगा लेता है, दो तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे और कंफर्टेबल भी थे इसके शूज़, तो ये वाले मैंने ग्रे कलर में इसके शूज़ लिए थे। और मारूश को मास्क लगाने का बहुत शौक है, और हाथ में अपना मास्क पकड़ा हुआ उतार के लगाती नहीं, मतलब घर से निकलने से पहले ही मुझे कहती है मम्मू मुझे मास्क जरूर दे दें, तो वो पकड़ के घूम रही है। और इधर हम रुके थे और ले रहे थे चिकन, और ये तो होने से रहा कि बच्चे कोई भी नई चीज़ लें और ये ना जिद करें कि हमें उसी वक्त पहनने हैं, और मारूश ने तो कहा कि मैं तो ऐसे घर नहीं जाऊंगी, मुझे तो अभी इसी वक्त शूज़ पहना दें, और ये शूज़ पहन लिए थे उसने उधर ही शॉप पे ही। और ये हमने लिया है हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर लिया था, और नेक्स्ट कंपनी का था तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ।
ऐसा है ये, और ये इसकी वॉल्टेज उन्होंने बताई हुई है, और ये इसकी 2 ईयर्स की जो वारंटी है वो है। तो इसको भी करते हैं ओपन। ये निकला है एक हीटर इसके अंदर, और देन इसके अंदर है एक पेज जो डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है, मेंशन होता है कि कैसे यूज़ करते हैं, कितने वोल्टेज हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी भी आप यूज़ कर सकते हैं, कितनी पावर हो तो कितनी वोल्टेज हो, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, और देन कैसे यूज़ करना है, बटन वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं मेंशन, वो देखेंगे। और इसके अलावा ये इसकी रसीद है, ये 3500 का था, और इसको अभी शॉपिंग बैग से बाहर निकालते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या क्या इसकी सिस्टम है और कैसे चलेगा ये। देखने में तो अच्छा नाइस लग रहा है, ग्रे कलर वैसे भी प्यारा लग रहा है, तो देखते हैं ऊपर। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या इसमें, एक तो ये माइनस प्लस का, इसका मतलब अगर हाई लो करने के लिए होगा कि अगर आप इसके कितने मतलब हाई लो कर सकते हैं ये। इसके अलावा ये स्विंग है, ये प्रेस हो जाता है, इसको भी चेक करते हैं क्या इसका सिस्टम है। और देन है ये 1 rod, ये 2 rod, और फैन है और ऑफ है। ये 2 rod मेंशन है कि दोनों rod इसके ऑन होंगे, तो पहले मैंने 1 rod पे ऑन किया है, तो देखें अच्छी खासी 1 rod पे भी हीट कर रहा था, और ये मैंने फुल रखा होता है। अब आपको स्विंग भी इसका मैं ऑन करके दिखा देती हूँ, और जब स्विंग आप ऑन वैसे भी कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपने फैन ऑन करना है तो फिर आप स्विंग ऑन करेंगे। ये देखिए दोनों साइडों पे जैसे फैन करते हैं वैसे ही इसे स्विंग कर रहा था, इधर से इधर, इधर से इधर। तो अभी मैं इसका फैन भी मैंने ऑन करके चेक किया था, और ये 2 rods पे मैंने किया हुआ था, तो अच्छी खासी हीट थी, और इसकी वोल्टेज भी अच्छी खासी है, 1500 इसकी वोल्टेज है, वोल्टेज भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसके हिसाब से ये इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी ज़्यादा पावर मिलेगा। और अभी मैं जो चिकन लेके आई थी रास्ते में, हम रुके थे चिकन लेने, चिकन लेके आए थे, उसको मैं करती हूँ वॉश, और मैंने बोनलेस और दोनों सेपरेट कर दी, और शॉपिंग बैग में डाल के फ्रीजर में रख दूंगी। और चिकन समेटने के बाद मैंने मूलियों के छिलके रिमूव करके, उनको कद्दूकश करके, उनको प्रेस करके उसमें से पानी सारा निकाल दिया था, और उन्हें पैन के अंदर रख दिया था डाल के, और फ्लेम ऑन कर दी थी। मैं ऐसे सिंपल सी बनाती हूँ, कोई इसके अंदर चाट मसाला और कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती मैं, बिल्कुल सिंपल सी, इससे अच्छा टेस्ट आता है पराठे के अंदर मूली का। अभी मैंने इसके अंदर धनिया ऐड कर दिया, और उसके बाद 1 teaspoon मैंने ऐड कर दी थी रेड चिली पाउडर, और 1/2 teaspoon मैंने इसके अंदर साल्ट ऐड किया, और अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 bar के बड़ा tablespoon इसके अंदर ऑयल डाल दूंगी, और अच्छी तरह इनको भून के, मतलब थोड़ा जैसा इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो फिर हम इसके बनाएंगे यम्मी ऐसे सुबह पराठे नाश्ते में।